सो वेलकम बैक दोस्तों अपने नए व्लॉग में। और नए व्लॉग का जो टाइटल और थंबनेल की वजह से आपको तो मालूम पड़ा रहेगा किसके ऊपर है ये। तो हाँ जी, मैं करने जा रहा हूँ अपना जो शेरा का फिफ्थ सर्विस, यानी कि ये रहेगा अपना फर्स्ट पेड सर्विस। तो चार सर्विस हो गया है और अपना जो गाड़ी है वो चल रहा है 20,343 किलोमीटर। तो सर्विस इंडिकेटर तो कब से चालू हो गया था, लेकिन अभी टाइम मिला है सर्विसिंग के लिए जाने के लिए, तो इसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ सर्विस करने के लिए। और फिर देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ सर्विस में, मैं क्या करने वाला हूँ, वो सब चीज़ डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला, इधर से फटाफट निकलते और जाते सर्विस स्टेशन। मैं जा रहा हूँ प्लैटिनम मोटर्स जो कि है फातिमा नगर में, वहाँ से ही मैंने गाड़ी लिया था, तो फिर मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ सर्विस करने के लिए। तो ये जैसा मैंने बोला था, ये फिफ्थ सर्विस है। तो 20,002 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये गाड़ी के साथ और ये फिफ्थ सर्विस, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला, मैं ये व्लॉग में सिर्फ सर्विस के बारे में बताऊँगा और मैं क्या क्या चीज़ करने वाला हूँ वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का और 20,000 के ऊपर किलोमीटर का, वो उसका अलग से व्लॉग आएगा, वो भी देख लेना। मैं ऑलरेडी बहुत बार ओनरशिप का रिव्यू बना चुका हूँ, लेकिन जैसे साल बढ़ते जा रहे, जैसे दिन बढ़ते जा रहे, जैसे किलोमीटर बढ़ते जा रहे, मैं मेरा एक्सपीरियंस है ना आपके साथ फेयर जो रिव्यू रहेगा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा। जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, माइक ने धोखा दिया, माइक ने नहीं, मीडिया मोड ने धोखा दिया, इसके लिए मेरे आवाज़ की थोड़ी सी वाट लगी पड़ी हुई है। तो अभी पहुंच गया हूं मैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जल्दी। मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि बाइक आज नहीं, शाम को नहीं तो फिर कल डायरेक्ट सुबह मिलने वाले, तो ऑप्शन नहीं था, तो ये ऑटो में वापस जा रहा हूँ। घर पे जाता हूँ फिर डिटेल में बात करते हैं। तो मैं आ गया हूँ घर पे और घर पे आने के बाद आपको अपडेट करना चाहता था, जैसे मैंने बोला था कि क्या चेंजेस यानी कि क्या सर्विसिंग में उन्होंने बोला करने वाले, तो वो बोल रहे थे ऑयल चेंज, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया ऑयल चेंज मत करना, सिर्फ रेगुलर सर्विसिंग करना और जो चेन है अपना थोड़ा सा लूज़ हुआ है वो टाइट कर लेना, शायद से चेन पॉकेट अपने को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में चेंज करेंगे, अभी चेंज में कुछ नहीं करूँगा। तो ब्रेक पैड्स है ना, वो मैंने 6,000 के 7,000 किलोमीटर हुआ था तब भी चेंज किया था, तो वो पूरे गए थे, तो वो बोले कि सर ब्रेक पैड्स, मतलब हाँ ब्रेक पैड्स चेंज करो। तो फिर वो उन लोग बोलने लगे कि सर ये डिस्क पूरा गया है, दोनों भी आगे का पीछे का, वो 4,000 तक जाएगा। बोला वो कुछ भी मत करो, जब भी मुझे लॉन्ग राइड पे जाने का रहेगा तभी मैं करूँगा, अभी कुछ भी नहीं करूँगा। तो इतना तो मैं बोल के आया हूँ, देखते हैं अभी जाने के बाद उनका फ़ोन आएगा। आज मैंने गाड़ी छोड़ा है, आज नहीं मिलने वाला है, शाम को भी नहीं, शायद से कल मॉर्निंग में मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा वेटिंग है इसके लिए। तो देखते हैं जैसा हो जाएगा, जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज गाड़ी रेडी होता है तो आज लेने के लिए जाएंगे, कल गाड़ी रेडी होता है कल लेने के लिए। तो 4 बजे मुझे फ़ोन आया था कि गाड़ी रेडी हो गया, तो मैं निकल रहा हूँ बाइक पिकअप करने के लिए और मेरे साथ है मालकिन भाई, क्योंकि रिक्शा से ही जाने का, ऑटो से जाने का है, तो वो बोली मैं भी आ गई सुबह में, उसका लेक्चर वगैरह था कॉलेज का, तो इसके लिए वो बोली थी कि मैं नहीं आया, तो ही अकेला जा, सुबह में मैं अकेला गया था। और सुमेधा भी बोल रहा है कि वो खेलने के लिए गया है, क्रिकेट खेलने के लिए, तो चल हम बोला जाए, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा देखते है ना बाइक सर्विस होने के बाद। चलो और आपको भी बता दूंगा कितना खर्चा हुआ है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कितना खर्चा हुआ होता है, लेकिन आपको दिखा दूंगा कितना खर्चा हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए, वहाँ से मैं थोड़ा बाहर गया था, बाहर जाके वापस घर पे आया, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो घर पे आ गए, खाना वीना हो गया है, तो बोला अभी चलो व्लॉग बनाते हैं और आपसे बात करता हूँ कि कैसा था एक्सपीरियंस। तो गाड़ी सर्विसिंग किया है, तो जो मेरा जो चेन था ना, आई थिंक उसमें थोड़ा सा उसने थोड़े से लूप है ना कम कर दिया नहीं कि, तो फिर है ना थोड़ा सा टाइट हो गया, तो आवाज़ जो आता था खटखट 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 वो बंद हो गया है,
क्योंकि चेन लूज हो गया था, तो मैंने पूछा कि चेन सॉक्स पॉकेट चेंज करने की जरूरत है क्या, तो जरूरत नहीं बोला अभी। तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली देखूंगा जब भी मैं जाऊंगा लद्दाख के लिए। लद्दाख, हाँ जी लद्दाख अपना प्लान हो गया है, जून में जाने वाला हूँ, पूरा सब प्लानिंग हो गया है। और जब भी जाऊंगा तभी सब कुछ काम करूंगा। तो जैसा उसने बोला था कि ब्रेक पैड्स चेंज करने थे, तो ब्रेक पैड चेंज कर दिए। प्लेट चेंज करने के लिए उसने बोला था, जो डिस्क था वो तो मैंने ना बोला था, वो भी लद्दाख के टाइम पे कर दूंगा। तो वो ब्रेक्स पैड जब भी नए डालते हैं ना, तो ब्रेक जल्दी लगता नहीं है, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू रहता है। वो तो मुझे मालूम था, इसके लिए उसने भी मुझे बताया कि थोड़ा सा संभाल के चलाना गाड़ी, तो मैं संभाल के ही चला रहा था। तो सर्विसिंग अच्छा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। वॉशिंग बहुत गंदा करते यार, वॉशिंग करते ही नहीं इन लोग। हर वक्त का कंप्लेंट है मेरा, हर वक्त का कंप्लेंट है कि ये ना इन लोग वॉशिंग करते नहीं है। तो खर्चा, खर्चे के बारे में बोलता हूँ। तो ये देखो, ये इतना पैसा लगा है ब्रेक पैड चेंज करने के बाद, ये सब कुछ अमाउंट हो गया है। और ये जो हम लोग ने पेड सर्विस किया था उसका भी चार्जेस इधर मेंशन किया हुआ है। तो टोटल जो खर्चा हुआ है ना वो इधर है। ओके, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने भेजा है। 700 रुपये में ओके, क्योंकि फर्स्ट सर्विस था, पेड सर्विस था, तो इसके लिए इतना पे किया है। लेकिन इसमें ना ऑयल चेंज नहीं किया, तो ऑयल चेंज करता था तो पकड़ के चलो और 1000 रुपीज चले जाता था। तो ऑयल चेंज नहीं किया है, मैं आपको जैसा बोला था कि मैं करने वाला हूँ मोटुल का, नहीं तो फिर कैस्ट्रॉल का, नहीं तो फिर शेल का ऑयल डाल के मैं करूँगा, तो और स्मूथनेस बढ़ जाएगी। तो वो लोग बोलेंगे आपको कि ये ना ये डालो, गाड़ी हीट होता है। कुछ नहीं यार, सब का ऑयल जो है ना, ऑयल ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, और अच्छा कंपनी का ऑयल डालेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने अमेजोन से कैस्ट्रॉल का जो क्रूज़ वाला सिंथेटिक ऑयल है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, वो मंगाया था। और मैं लेके गया एक लोकल मैकेनिक के पास। और ये ऑयल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। फुल सिंथेटिक ऑयल इसके लिए लिया था क्योंकि जो गाड़ी हीटिंग इशू है ना, वो फुल सिंथेटिक ऑयल अगर डालेंगे तो है ना हीटिंग इशू कम होता है। जितना अच्छा ऑयल आप डालते हो उतना हीटिंग इशू कम होते रहता है। और रॉयल इनफील्ड सिर्फ है ना सेमी सिंथेटिक ऑयल डालता है, तो मुझे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालने का था, इसके लिए मैंने कैस्ट्रॉल का ऑयल खरीदा। यूजुअली है ना ऑयल है ना आप घर पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल मैकेनिक के पास जाओ और ऑयल चेंज करो। उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि हम लोग जब भी घर पे क्लीन करते हैं तो हम लोग सिर्फ कपड़े से क्लीन करते हैं, और पूरा का पूरा ऑयल हम लोग ड्रेन नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम लोग मैकेनिक के पास जाते हैं तो उन लोग पूरा का पूरा ऑयल ड्रेन करते हैं, और जो भी चीज़ क्लीन करना है, फिल्टर जिधर लगाते वो एरिया, नहीं तो फिर जो ऑयल का जाली है वो एरिया, वो सब चीज़ें ना उन लोग है ना पेट्रोल से क्लीन करते हैं, जो कि हम लोग कभी नहीं करेंगे। सो इंजन ऑयल लेके सिर्फ आपका काम नहीं होगा, आपको उसके साथ लेना पड़ेगा ऑयल फिल्टर। वो रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन पार्ट सेंटर से आपको मिल जाएगा, उसका कॉस्ट रहेगा 87 रुपीज़। तो 1100 फॉर द ऑयल और 87 फॉर योर ऑयल फिल्टर। तो इसके अलावा मैंने जो जो मैकेनिक था उसको मैंने पे किया था 100 रुपीज़। और ये जो है वो कैन आता है 2.5 लीटर्स का, और मीटियोर में जो ऑयल बैठता है वो बैठता है ओनली 1.7। तो जो रिमेनिंग ऑयल रहता है ना वो आपको ना टॉपअप करने के लिए यूज़ होते रहेगा। हर एक 500 किलोमीटर के बाद है ना आपकी जो गाड़ी है ना वो 50 ml तो ऑयल जलाती रहती है। तो बैलेंस वाला आप यूज़ कर सकते हैं टॉप अप करने के लिए, या तो फिर जब भी आपको ऑयल चेंज करने का रहेगा तब भी। कंपनी ये रिकमेंड करती है कि ये है ना 2500 to 3000 किलोमीटर तक ये ऑयल का कंडीशन बहुत अच्छा रहता है। और ये पुराना ऑयल का कंडीशन, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था वो मैंने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।